बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक चीता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों एक गुलाबी बगीचे में घूम रहे थे। हाथी ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक सुंदर सा फल बना हुआ है जिसका स्वाद बहुत अद्भुत होता है। हाथी ने चीता को कहा, आओ हम इस फल को मिलकर खाएं। चीता ने खुशी खुशी सहमति दी और दोनों ने मिलकर उस फल को खाना शुरू किया। लेकिन जब हाथी ने अपना मुंह खोलकर फल को छुपाया तो उसने सोचा कि फल कितना छोटा। चीता ने हाथी से पूछा, तुम इतना बड़ा होकर भी इतना छोटा फल क्यों छुपा रहे हो? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त मैंने यह फल छुपाया इसलिए छोटे फल की चुनौती को हम मिलकर पार कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा फल होता सहायता करने के लिए मजबूर होते। सहायता और समर्थन में अगर लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।